Hello my students, welcome back. I hope you all have solved exercise 3A in your registers. So now we are back with our next exercise of the chapter addition and subtraction. Okay, so exercise 3B of chapter addition and subtraction. So this exercise is also on addition and also is very simple. Okay, so simple addition is there, but what is the difference that I am going to tell you. तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, उसमें जो डिजिट्स थे उनकी प्लेस वैल्यू सेम थी. जैसे फाइव डिजिट नंबर में हमने फाइव डिजिट ही ऐड किया था, इस तरह से क्वेश्चंस थे. नाउ इन दिस वन वी विल सी कि जब हमारी प्लेस वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट नंबर की होंगी तब हम ऐड कैसे करेंगे. ठीक है, तो पहली हमारी जो सपोज विल टेक दिस एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर पहली डिजिट जो हमारी है वो है 7,67,899 प्लस 7,625 प्लस 556. तो इस क्वेश्चन में हम क्या रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंस, कि सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज अलग है. इसमें 5 है यानी कि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू लाख तक है, इसमें 1s 10s 100 1000 तक है और इसमें सिर्फ 100 तक है. अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, विल सी दैट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेंगे. हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख दी, अब हम प्लेस वैल्यूज कहाँ तक लिखेंगे. जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट होगा तीनों नंबर्स में उसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू होगी हम वहाँ तक प्लेस वैल्यू लिखेंगे. जैसे इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा ये नंबर है, इसमें फाइव डिजिट्स हैं. ऑलराइट, तो इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक गई है, 1s 10s 100 1000 10000 लाख तक गई है. तो हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट जो बनाएंगे वो लाख तक बनाएंगे. एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान रखनी है प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने में, कि प्लेस वैल्यूज जो आप लिखिए उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि अगर हमने बिल्कुल पास पास इसको लिख दिया तो डिजिट्स मिक्सअप हो सकती हैं, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. तो प्लेस वैल्यूज में थोड़े थोड़े डिफरेंस रखिएगा. ओके, डिस्टेंस रखिएगा. तो हमने यहाँ प्लेस वैल्यूज लिख दी, अब हम नंबर लिखेंगे. पहला नंबर हमारा है 7 लाख, तो लाख के नीचे 7, 67,000, तो 67,899 पहले डिजिट हमने लिख दी. नाउ विल कम टू अनदर डिजिट 7,625. अब ये जो है ये हमारा 1000 से स्टार्ट है, तो लाख और 10,000 की प्लेस हम खाली छोड़ देंगे. यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 7,625. अगेन वी हैव टू टेक दिस वेरी इम्पॉर्टेंट नोट कि जिस नंबर में प्लेस वैल्यू अगर वंस इसकी है तो वंस के नीचे हम वंस ही वाले डिजिट लिखेंगे, टेंस के नीचे हम टेंस ही वाले डिजिट लिखेंगे. इसी लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प ले रहे हैं. अगर वंस के नीचे या टेंस के नीचे आपने 100 की प्लेस वैल्यू लिख दी, योर कंप्लीट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. इसलिए हम प्लेस वैल्यू की हेल्प ले रहे हैं. अगर ये डिजिट में ये वंस है, यहाँ पे ये वंस है, तो वंस के नीचे वंस की ही वैल्यूज आनी चाहिए तीनों नंबर में. अब हम यहाँ पे 7,625 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये 1000 है प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो 7,625. लास्ट नंबर है हमारा 556, तो ये 100 से शुरू करेंगे 556. इस तरह से वंस की वैल्यूज वंस के नीचे आ जाएंगी, टेंस की वैल्यूज टेंस के नीचे, हंड्रेड्स की वैल्यू हंड्रेड्स के नीचे, थाउजेंड की वैल्यू थाउजेंड के नीचे. इस तरह से हम प्लेस करेंगे. अब हम ऐड करेंगे इसको कैसे, 9 प्लस 5, पहले हम वंस ऐड करेंगे. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम वंस. 9 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, दिस विल बी 20. तो 20 का 2 जो है वो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे कैरी कर देंगे, यानी कि टेंस पे हमने कैरी कर दिया और 0 हमने वंस की जगह पे यहाँ पे लिख दिया. अब हम ये ऐड करेंगे और ये कैरी भी इन्हीं नंबर्स में ऐड होगा. सो 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, दिस विल बी 18. ओके, अब 18 का 1 हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे कैरी कर देंगे हंड्रेड्स पे और 8 यहीं पे लिख देंगे. ओके,
नाउ विल कम टू 100. अब ये 1 भी 100 में ही ऐड होगा, तो 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 दिस विल बी 20. तो अगेन 20 का 2 हमने कैरी किया 1000 पे और 0 यहाँ पे लिख दिया. फिर हम ऐड करेंगे 1000 की प्लेस वैल्यू को 2 प्लस 7 प्लस 7 दिस विल बी 16. 16 का 1 हमने 10000 पे कैरी कर दिया और 6 यहाँ 1000 पे लिख दिया. फिर 1 प्लस 6 विल बी 7 एंड 7 विल बी राइटेड डाउन एज इट इज 7. सो दिस इज हाउ वी ऐड द नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ऑन दैट. अब हम इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, दूसरा कॉमा 2 डिजिट्स के बाद. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली. सो लेट अस टेक व्हिच क्वेश्चन आर वी गोइंग. सो दीज क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 आर सेम एज वी हैव डन इन एक्सरसाइज 3B. यू सिंपली हैव टू ऐड इट. लेट अस सी थर्ड वन. 1 प्लस 9 विल बी 10. 0 लिखा, 1 अगेन. ओके सॉरी, आई फॉरगॉट दैट ऑल्सो. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यूज लिखनी है. वंस टेंस, डू नॉट फॉरगेट दैट. वंस टेंस 100, 1000 ऑन दिस वन एंड 10000 ऑन दिस वन. प्लेस वैल्यूज आपको सबके में लिखनी है बिफोर सॉल्विंग. ओके, सो वंस पे आते हैं. 1 प्लस 9 10. 0 लिखा हमने यहाँ पे, 1 कैरी कर दिया टेंस पे. नाउ 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 13. तो 3 यहाँ लिखा, 1 इधर कैरी कर दिया हंड्रेड्स पे. नाउ 1 प्लस 0 प्लस 8 इज 9. यहाँ पे नो कैरी. 7 प्लस 5 विल बी 12. 2 यहाँ लिखा, 1 अगेन कैरी. और 5 प्लस 3 8 एंड प्लस 1 9. सो दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे कॉमा लगा देंगे हम 3 डिजिट्स के बाद. ओके, इसी तरह से आपको ये वाले ऐड करने हैं. इन नंबर्स में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें जैसे कितनी हुई हैं, 6 डिजिट्स दी हुई हैं, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10000, लाख्स. ठीक है, और इसमें कितनी दी हुई हैं हमारी, 5 डिजिट्स दी हुई हैं. ठीक है, इसमें अगेन 6 दी हुई हैं, इसमें 5 दी हुई हैं. तो इसको हम सेम ही वे में ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट हेयर प्लेस वैल्यूज और फिर हम इसको डिजिट प्लेस वैल्यू वाइज ही ऐड कर देंगे. स्टार्ट एडिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम वन साइड. ओके, सो यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. योर होमवर्क इज टू सॉल्व एक्सरसाइज 3B. इट इज ऑलमोस्ट एज सेम एज एक्सरसाइज 3A. थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर्स एंड देन विल कम टू अनदर एक्सरसाइज, दैट इज सब्ट्रैक्शन. थैंक यू.